नमस्कार आदाब। आज आप देख सकते हैं नामांकन भरने की अंतिम तिथि है और दोपहर 3 बजे तक का समय रखा गया है, लेकिन कल जो रात को दोनों दलों ने जो टिकट वितरण किए हैं उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और इस समय उत्तर भोपाल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से जो पुराने कांग्रेसी जो समाज सेवक जो नेता रह चुके, पार्षद रह चुके और एडवोकेट भी हैं और काफ़ी जुझारू बड़े बड़े नाम हैं, उन्हें पार्टी ने कैसे दरकिनार कर दिया, ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि कुछ दिनों पहले आपने सुना था कि रईसा मलिक भी एक कांग्रेस की बहुत बड़ी प्रवक्ता थी, उसने भी पार्टी को छोड़ दिया। तो मैं यहाँ पर, हमारे बीच शफीक साहब हैं जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, भोपाल का काफ़ी जाना माना चेहरा है, मैं उनसे पूछता हूँ। सर, सुनने में कुछ ऐसा आया है काफ़ी लोग निराश हैं सर टिकट का, और आप जैसे लोगों का भी टिकट नहीं हुआ है और जनता आपको चाह रही है। हाँ, देखिए आपने सही सुना है। एक्चुअली में क्या है, इस बार के टिकट वितरण में बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई है और हमने आज यहाँ पर नामांकन जमा करा है और जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 30-30, 40-40 साल से काम करा है और जो तजुर्बेकार हैं, मेहनती हैं, लगनशील हैं, उनको दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है कि जिनका कोई ज़मीनी आधार नहीं है। हम सब लोगों ने आज जो पर्चा भरा है उसको हमने कांग्रेस से ही भरा है, क्योंकि अभी 2 दिन शेष हैं। हमें ऐसी आशा है कि नाम परिवर्तन हो सकता है और यदि नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम लोग मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी से हम लोग इस्तीफा देंगे, ये हमने तय करा है। और इसके पीछे जो एक लंबी चौड़ी साजिश है कि कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए जो बात कही जाती है लोगों से, हमारा मानना यह है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही कमज़ोर कर रही है। आज कांग्रेस की जो स्थिति बनी है वो इसलिए बनी है कि कांग्रेस में एक नई परंपरा बन गई है कि जो चापलूस और जो खुशामद वाले लोग हैं उनको आगे लाओ और जो मेहनती और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस को मजबूती प्रदान करी है उनको दरकिनार कर दो, जिसकी वजह से कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंची है। और अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो और बुरी स्थिति कांग्रेस की होगी, ऐसा मैं न मानना है। आइए मैं अफरोज मैडम से ही बात करता हूँ, जो नारी शक्ति की बड़ी पहचान है और समाज में काफ़ी समय से पूर्व पार्षद भी रही हैं और काफ़ी कार्य किए हैं और आज भी जनता की पुकार है, उनको बुला रहे हैं लोग। तो मैडम, ऐसा क्या हो गया है जो इस बार टिकट नहीं सही नहीं बटे हैं और निराशा क्यों है लोगों में? हम 10-40 साल से जुड़े हुए हैं, 2 बार कांग्रेस से जीते भी हैं और कांग्रेस के लिए हमेशा से 30-40 साल से सक्रिय रहे हैं, विधायक जी के लिए, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए काम करा है। उसके बाद भी हम लोगों को टिकट नहीं दिया गया, नकारा गया है और ऐसे लोगों को दिया है जिनका कोई वजूद नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कांग्रेस में। एक नीचा तबका, एक गुंडा मवाली तबका, इस टाइप के लोगों को टिकट वितरण करा गया है, तो फिर हमारे लिए शर्म की बात है कि हम कांग्रेस से क्यों जुड़े। एक बात और देखने को आ रही है कि अभी जितने भी आप उत्तर क्षेत्र हो या मध्य क्षेत्र हो, जो कांग्रेसी नाराज हैं अभी भी, उनको ऐसा लग रहा है, उनको अभी भी उम्मीद पार्टी पे, अभी भी अपनी श्रद्धा रख रहे हैं वो। उन्होंने अभी भी ये कहा कि हो सकता है पार्टी फिर विचार करे, मंथन करे और आज नहीं तो कल कुछ नामों की घोषणा करे। नहीं तो अभी आपने देखा, मैं आपको एक और जाने माने चेहरे की तरफ मोड़ता हूं और आप इनको देखिए, जनाब शाहिद अली, जिनके बारे में मैं आपको स्वयं बता दूं, मैं पत्रकार होने के नाते भोपाल टाकीज में उनका कार्यालय है। आंधी, बारिश, तूफान, कैसा भी मौसम हो, सिवाय जनता की सेवा के इन्होंने कुछ नहीं किया है। MIC मेंबरों में रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में बैठे हैं, नगर निगम की नब्ज को जानते हैं और कई बार पार्षद रहे हैं और बहुत अच्छा उन्हें ज्ञान है। सर, इस बार राजधानी भोपाल में समस्याएं भी बहुत हैं और टिकट भी सही नहीं बटा गया है और पानी की त्राही त्राही हो रही है और मेट्रो रेल भी अटका हुआ है, सर क्या कहते हैं तमाम बातों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस की जो सूची आई है वो, उसमें उन्होंने नए चेहरों को और ऐसे चेहरों को टिकट दिया है जिनकी कोई जान ना पहचान है, जो अभी तक घर से तक नहीं निकले, ऐसे लोगों को दिया है। इसलिए हमारी कांग्रेस के सारे वरिष्ठ लोगों की हम मुखालफत करते हैं और हम यकीनन अगर ये लिस्ट में परिवर्तन नहीं हुआ तो हम कांग्रेस के की सदस्यता से, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे और हम ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो कांग्रेस को बख्शा नहीं जाएगा। आपने सुन लिया कि इशारा कर दिया है शाहिद अली जी ने कि बड़ा तबका, बड़ी संख्या कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकती है और प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दिया जाएगा और क्योंकि समाज सेवा सर्वोपरि है इसीलिए जनता क्षेत्र में इन्हें पुकार रही है। काफ़ी एक लंबी टीम और आज देख सकते हैं आप भीड़, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के और निर्दलीय उम्मीदवारों की भी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। वैसे हमारे सामने बाबर भाई हैं। बाबर जी, आपने पार्टी से टिकट भी मांगा था और लोग काफ़ी आपको जानते हैं और काफ़ी समय से आप क्षेत्र की जनता की सेवा भी कर रहे हैं, कैसा देखते हैं पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, मैं
तकरीबन 20 सालों से कांग्रेस से जुड़ा हूँ और सेकंड टाइम भी मैं चुनाव लड़ा था, सेकंड पोजीशन पे आया था, लेकिन कांग्रेस आश्वासन देती गई, लेकिन पता ये चला जिसके पास माल था माल लेकर पैसे लेकर टिकट का वितरण किया गया। जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, जो काम ज़मीनी करते थे लोग, जिन्हें मानूस थे, जिनको जानते थे, उनकी कांग्रेस में अनदेखी हुई और पैराशूट से पता नहीं कहाँ से कौन, जो फील्ड के अंदर नहीं थे, जो काम नहीं करते थे, उनको टिकट दिया गया। उनसे नाराज़ होकर हमने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस छोड़ के आज पर्चा भर रहे हैं। आज एक बड़ा तबका कांग्रेस को छोड़ने का विचार बन चुका है, राजधानी में खबर फैल रही है जी, कैसा देखते हैं? ये कांग्रेस को भारी नुकसान होने वाला है आने वाले विधानसभा में भी और अभी भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस के नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो बिके हुए लोग हैं, सीधी सच्ची बात ये। सर, वार्ड 14 से इस बार कैसा देखते हैं आप, चुनाव में कौन खड़ा हुआ है? हमारे बादशाह भाई की मजबूत दावेदारी थी और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो अभी फॉर्म भर दिया इंशाल्लाह, और मजबूत दावेदार है, इंशाल्लाह लड़ेंगे और जीतेंगे। शहर में काफ़ी लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल भाई साहब, जैसा कि मैं बताऊँ कि हमारे वार्ड नंबर 9 में हमारे साथ के 4 लोग लाइन में खड़े खड़े अल्लाह को प्यारे हो गए, है ना। एक मुनीस मौलाना लाइन में खड़े खड़े इस बार वो चले गए ऊपर, है ना। वो फिर इरशाद भाई वो चले गए ऊपर, फिर इलियास इस्माइल वो चले गए ऊपर आज वचन में। उसके बाद फिर एक मुनीस मौलाना साहब थे वो भी चले गए ऊपर आज वचन में। और अभी इस बार जो टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने ऐसे बंदे को दिया है जिसको कोई लोग जानते नहीं है, ये साथ कौन है, ये साथ बिन खालिद कौन है, मुझे नहीं पता। वार्ड में आप पता कर सकते हैं, किसी को नहीं पता। और दीगर वार्डों का मैं यहाँ देख रहा हूँ, पर्चा दाखिल करने आया हूँ कि जो निर्दलीय के रूप में जो अपना लोग अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं उनके साथ में काफ़ी बड़ी अक्सरियत में तादाद में लोग आ रहे हैं और बहुत नाराज़गी है, वो सभी कांग्रेसी समर्थक है। और आज शाम को बड़े तादाद में कांग्रेस पार्टी से लोग बड़ी तादाद में बड़े लोग अपने मौजूद लोग जैसे अपने शफीक भाई हुए, शाहिद भाई हुए, रेहान गोल्डन साहब हुए, नाजमा अंसारी जी हुई, अफरोज जहां हुई, ये सारे लोग जो हैं अपने शाम को अपने 5 बजे या 6 बजे ये त्यागपत्र देने जा रहे हैं, जो अपने कांग्रेस को 2023 में बड़ा नुकसान होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इजहार है, मैं भी टिकट के दौड़ में था, मुझे भी आज फसल में रखा गया था कि हम आपको मिलेगा पर एंड टाइम पे सात बिन खालिद कहाँ से आ गए हमें नहीं पता।